हे गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब गाइस? बाय टाइटल आपको पता चल ही होगा कि आज के मेरा जो टॉपिक है वो कौन सा है। फ्रेंड, जैसे कि आप सभी को पता है पेंड्रम के बारे में, पेंड्रम के बारे में कौन नहीं जानता। पेंड्रम अक्सर लोग गोरा होने के लिए, अपने दाग धब्बे हटाने के लिए यूज करते हैं। अगर आप गूगल में या फिर आप यूट्यूब पे सर्च मारें तो एक लंबी लाइन लग जाएगी पेंड्रम के बारे में, यूज़ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। आप डेफिनेटली जाके चेक कर सकते हैं यूज़ करना चाहिए नहीं करना चाहिए, लेकिन आज मैं बताती हूँ इसके बारे में रियलिटी। मेरे सामने ही हुआ है ये हादसा, इसलिए मैं उसका प्रचार नहीं कर रही हूँ, बस मैं आपको बता रही हूँ कि ऐसा हुआ था। उनके स्किन में कुछ प्रॉब्लम हुआ था, ब्लैक ब्लैक सा हो गया था चिकबोन पे, नोज पे। तो यही 25 ईयर ओल्ड की है वो, तो उनके स्किन पे हो गया था। तो वो डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर ने ही ये पेंड्रम प्लस प्लस उनको लगाने के लिए बोला था। तो वो क्या की कि गई मेडिकल स्टोर पे और ये सब जो लिखा हुआ था उस पर वो सब ले आई और लगाना शुरू की डेली बेसिस पे। जैसे ही नाइट में, मॉर्निंग में, जब भी फेस वॉश करते हैं हम तब भी। फिर उसके बाद क्या हुआ, डेली बेसिस पे ये सब होने लगा। उसके बाद लॉकडाउन लग गया, अब विश्वास नहीं करेंगे, उसके बाद लॉकडाउन लग गया और हो गया स्किन का कबाड़ा। लॉकडाउन लगने के बाद वो पेंड्रम लेना घर से बाहर, मतलब मेडिकल वगैरह तो खुले रहते थे, जा सकते थे, ले सकते थे, लेकिन जहां पर वो रहती थी वहां पर वो मेडिकल पे पेंड्रम था ही नहीं। तो ऐसे करते करते वो मेरे को ये सब बताई, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। तो ऐसे ऐसे हुआ, फिर पेंड्रम उनको मिलना मुश्किल हो गया, वो खरीदना ही बंद कर दी। 2-3 महीना से पेंड्रम लगाना ही छूट गया। 2-3 महीने के बाद स्किन रेड ना हुआ, ना कुछ भी नहीं हुआ, स्किन पूरा ब्लैक, पूरा ब्लैक। बस आग जो है वो वाइट वाइट एंड टीथ जो है वाइट वाइट था, बस पूरा ब्लैक देखने लायक हो गया था पूरा जो चेहरा, क्योंकि उनको इतना ज़्यादा हैबिट हो गया था ना पेंड्रम का, सुबह शाम लगा लगा के, इसलिए पूरा जो स्किन है ना पूरा ब्लैक हो गया था और मतलब बहुत ही गंदा लग रहा था देखने में। फिर भाई मेरे आसपास के लोगों को पता है कि भाई मैं यूट्यूबर हूँ, मैं यूट्यूब पे वीडियो बनाती हूँ मेकअप के रिलेटेड, स्किन के रिलेटेड। तो उनको लगा होगा कि कुछ जानती होंगी, कुछ ऐसा है। तो वो मेरे पास आई और ऐसा ऐसा बोली कि ऐसा ऐसा है दी और ऐसे ऐसे हो गया है। तो मैं तो डर गई देख के, क्योंकि छोटा मोटा कुछ प्रॉब्लम रहता है तो हम होम रेमेडीज या फिर पिंपल वगैरह होते हैं तो हम कर लेते हैं, लेकिन ये तो बहुत ही बड़ा ये था ना। तो फिर मैं बताई पेंड्रम के बारे में, पेंड्रम लगाना ही नहीं चाहिए था, ये बस थोड़ा दिन के लिए गोरा रखता है स्किन को, जैसे ही आप इसको छोड़ते हैं ये धीरे धीरे आपके स्किन को ब्लैक कर देता है या फिर रेड कर देता है, रेड भी कर देता है। मैं रेड भी देखी हूँ किसी का स्किन रेड, पूरा टमाटर जैसे रेड हो जाता है पूरा जो स्किन है। तो मैं बोली ऐसा ऐसा, तो फिर मानी ही नहीं, एकदम मतलब जिद करने लगे कि नहीं ऐसे कैसे हो सकता है, डॉक्टर ने लिखा है, डॉक्टर ने लिखा है। तो मैं भी ज़्यादा कुछ फोर्स नहीं की, भाई आपको डॉक्टर ने ही लिखा होगा। फिर उसके बाद मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ था, तो मैं सबसे पहले उनको बोली कुछ दिन आप क्योंकि मैं भी डर गई थी उनके स्किन को देख के, तो मुझे भी थोड़ा सा बुरा लग रहा था, इसलिए मैं थोड़ा सा स्किन केयर बताई कि आप स्किन केयर कीजिए और रात को एलोवेरा जेल के साथ 2 ड्रॉप उसमें टर्मरिक एसेंशियल ऑयल मिक्स कीजिए, उसके बाद आपका जो स्किन है धीरे धीरे करके देखते हैं होता है कि नहीं, अगर नहीं होगा आप 1 बॉटल ख़त्म कर लीजिए, अगर नहीं होगा क्योंकि ये मतलब एक वाला जो प्रोसेस होता है वो थोड़ा सा धीरे होता है, इसलिए मैं बोले कि आप ये मत सोचिएगा जैसे पेंड्रम आपको एकदम से गोरा कर दिया था वैसे ही आपके स्किन को एकदम से ठीक कर देगा, ये धीरे धीरे करके ठीक करेगा। तो मैं दे दी 1 बॉटल यूज की, हल्का सा लाइट हुआ जो चेहरा है वो, एकदम से तो लाइट नहीं हुआ क्योंकि पूरा ब्लैक हो चुका था। उस टाइम का जो कहानी था ना, मैं फोटो, उस समय मेरा यूट्यूब चैनल नहीं था इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पाई, अगर मेरा यूट्यूब चैनल रहता तो उसके ऊपर मैं जरूर वीडियो बनाती। तो फिर उसके बाद फिर भाई ठीक नहीं हुआ, हल्का सा थोड़ा सा लाइट होने लगा, अगर हो सकता है 1-2 बॉटल और भी यूज़ करते तो हो सकता था, लेकिन 1 बॉटल में क्योंकि उनको जल्दी से रिजल्ट चाहिए था क्योंकि उनको जाना था कहीं बाहर। तो अब भाई अब हुआ ये सब, फिर वो मेरे को बोली कि नहीं हो रहा नहीं हो रहा, फिर मैं बोली थोड़ा सा महंगा चीज़ यूज़ करके देखते हैं। तो फिर मैं एक सीरम, बहुत ही बढ़िया वाला सीरम एंड नाइट क्रीम,
ऐसे ऐसे करके उनका 2,500 का बिल बना दी। ऐसे ऐसे आप लगाएंगे इसको, स्किन केयर है ये, नाइट केयर है, आपको मॉर्निंग एंड नाइट में ऐसे ऐसे करना है। उसके बाद आप एक महीने आप यूज करके देखो ठीक होता है कि नहीं। लेकिन फिर एक महीने यूज किए, धीरे 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 करके बहुत दिनों के बाद वो यूज करने के बावजूद भी वो इतना कुछ बताने के बाद, सब चीज करने के बाद वो अपने से ही ठीक हुआ। उसमें कुछ भी लगा लो, कुछ भी कर लो, ठीक नहीं होता है। इसलिए फ्रेंड्स आप ऐसे पेंड्रम, बेटनोबिड सी बी जो भी होता है मुझे मालूम भी नहीं है, लेकिन ये सब आप अपने स्किन पे यूज बिल्कुल भी मत किया कीजिए। आपके स्किन के लिए बहुत ही हानिकारक है ये, सीधा मैं बोलती हूँ ये हानिकारक है। अगर आप, उनको भी डॉक्टर ने सजेशन दिया था कि आप ये लगा सकती हैं, लेकिन ये तो काम नहीं किया। अगर आपके स्किन में ये सब चीज़ है तो आप DIY यूज़ कीजिए। हफ्ते में एक बार अपने स्किन को अच्छे से पैम्पर कीजिए, अपने स्किन में मास्क, सीट मास्क ये सब यूज़ कीजिए। आपके स्किन में कुछ भी नहीं होगा। पिंपल की क्या है, लड़कियों को तो प्रॉब्लम है पिंपल का, जैसे हम मेकअप करते हैं तो ये सब पिंपल होता है, जैसे हमें पीरियड्स आता है उस टाइम पिंपल होता है, तो ये पिंपल तो होते ही रहते हैं उसकी वजह से। और आपको अपने रंग के जैसे ये सब पेंड्रम वगैरह यूज़ करने का बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आपके स्किन का जो कलर है, जो भी है, चाहे काला है, सांवला है, गोरा है, या फिर पिंपल है, दाग धब्बे हैं, जो भी हैं, आपका जो स्किन है वो आपका है। आप उसको संभाल के रखिए, आप ऐसे किसी के बहकावे में या फिर कुछ भी मत जाइए। आई होप आप सभी को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, ताकि मेरा जो भी नया अपडेट वीडियो है आप तक सबसे पहले पहुंचे। गाइस अब मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बाय, धन्यवाद।